गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के इस वीकेंड सेशन में। दोस्तों, जब हम लोग सेवर्स की बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने इस सेवर्स को हासिल किया उस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेकर। नॉट द सेवर्स, द प्लानर हैबिट ट्रैकर जो था वो बहुत सारे लोगों ने हासिल किया। मैंने अपने चैनल पर भी, मैंने बहुत सारे जो व्यूअर्स थे उन लोगों के लिए भी मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ में ट्रैकर शेयर करूंगा। लेकिन क्या हुआ था कि जब उन्होंने जो मुझे कमेंट बॉक्स में जो मैसेज किए थे वो मैसेज डिसअपियर हो गए और मैं आप लोगों से मैं बात नहीं कर सका था। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एज पर द रिक्वेस्ट जिन लोगों ने ये ट्रैकर हासिल किया था कि भी इसका उपयोग कैसे करना है। दोस्तों, हैबिट्स जो बताई गई है आपको फॉर मेकिंग अ ग्रेट मॉर्निंग, उन सारी हैबिट्स में एक इम्पॉर्टेंट हैबिट आती है और वो है कि आप अपने सुबह को यदि अच्छा बना लेते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा बनता है। दैट शुड बी अ ग्रेट मॉर्निंग। यही हमारा जो ट्रैकर है कहता है कि भी आप अपने मॉर्निंग को ग्रेट बनाइए। इसके अंदर एक जो हैबिट आप लोगों को बताया गया है वो हैबिट है अफर्मेशन। आज हम लोग सिर्फ अफर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। आप देखिए, कोई नई बात नहीं है, आप सब जानते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा लोगों से ट्रेनिंग भी लिया हुआ है और आपने बहुत सारा स्टडी भी किया हुआ है। लेकिन हम एक जनरल बात करना है यहाँ पर चाहेंगे ताकि इस बात को और अच्छी तरह से समझ सकें। बहुत सारे लोग हैं जो अफर्मेशन करते हैं और उसको उपयोग भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि भी कोई भी चीज को करने के लिए एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें कि भी व्हाट इज अफर्मेशन, तो अफर्मेशन का जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है। अफर्मेशन इन न्यू थॉट एंड न्यू एज टर्मिनोलॉजी रिफर्स प्राइमरीली टू द प्रैक्टिस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड सेल्फ इंपावरमेंट। आप पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को और इंप्रूव करते हैं इस बिलीफ के साथ कि अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड सपोर्टेड बाय अफर्मेशन विल अचीव सक्सेस इन एनीथिंग। कि भी हमें ना, हमारा ये जो अफर्मेशन है ये पॉजिटिव थिंकिंग के कारण हमें अपने क्षेत्र में सक्सेस प्रदान करेगा। दैट इज, इस बिलीफ के साथ हम कुछ शब्द अपने आप को बोलते हैं। तो दोस्तों, अफर्मेशन की बात आपने यदि समझ ली तो सिंपल सी बात है, अफर्मेशन इज नथिंग बट प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव थिंकिंग। आप यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग को प्रैक्टिस करते हैं, आप सेल्फ इंपावरमेंट पर ध्यान देते हैं, आप अपने आप को यस बोलते हैं। यस, यू से यस टू योर सेल्फ। यस इज सच अ वर्ड जो इतना पावरफुल है। यस कहने से एक मतलब अलग तरह का एनर्जी लेवल क्रिएट होता है। सो आप अपने आप को यस बोलते हैं, दैट इज सेल्फ टॉक। यदि मैं कहूँ ना तो इट इज नथिंग बट इट इज सेल्फ टॉक। आप जानते हैं कि जो आपका ब्रेन है ना, ब्रेन में जो सब कॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं हम, इट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। यदि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड का उपयोग करना सीख लेते हैं तो आप अपने जिंदगी में बहुत सारा बदलाव ला सकते हैं और बहुत सारा अपने आप को सक्सेस पर ले जा सकते हैं। तो अफर्मेशन इज ऑल्सो सेल्फ टॉक, और इस सेल्फ टॉक के द्वारा आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं ताकि आपका ब्रेन नेगेटिव थिंकिंग से निकलकर पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ काम करे और अपने आप को सक्सेस की तरफ बढ़ाए। दैट इज सेल्फ टॉक। सो अफर्मेशन इज ऑल्सो सेल्फ टॉक। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये आपके कॉन्शियस माइंड से 30,000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है, सोच लीजिए। लेकिन इसको करने की जरूरत होती है ट्रेनिंग। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होता है। आपको अपने आज तक का जो भी ट्रेंड है आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप अपने आप को पूरा हैबिट्स से चला रहे हैं। आपकी जो हैबिट्स हैं उन हैबिट्स के कारण आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। समझ लीजिए इस बात को अच्छी तरह से कि आप आज जो कुछ भी हैं आप अपने आदतों के द्वारा हैं। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन कर लेते हैं तो ट्रेन करने से आप अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं। आपको ट्रेन करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को।
आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। ओके, सो सेल्फ टॉक के द्वारा, अफर्मेशंस के द्वारा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। ये जो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का जो बेस्ट समय होता है, दैट इज अर्ली मॉर्निंग और सोने के वक्त। दोस्तों आपने प्रशांत आंबरे के वीडियो में आपने एक किस्सा सुना होगा मोहम्मद अली के बारे में। प्रशांत ने बताया था कि भी मोहम्मद अली की कहानी ऐसी थी कि वो अपने आप को से अफर्मेशन करते रहते थे, सेल्फ टॉक करते रहते थे, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका जो बॉक्सिंग का मुकाबला था उसके अंदर वो पंच खा के लगभग बेहोश हो चुके थे और रेफरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा ऐसा लोगों को लग रहा था कि आज मोहम्मद अली हार गए, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 अचानक मोहम्मद अली जो ऑलमोस्ट बेहोशी की स्थिति में थे उठे और उन्होंने एक अपने आप को अपने ओपोनेंट को एक पंच दिया और ये मैच जीत लिया था। दोस्तों यहां पर आप यदि देखते हैं तो मोहम्मद अली हमेशा अपने आप को कहते थे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जब उनसे पूछा गया कि भी आप तो लगभग बेहोश हो गए थे और आप ये मुकाबला हार चुके थे तो आप अचानक कैसे उठ खड़े हुए, बोला मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ अपने आप को यही कह रहा था आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। दैट इज द पावर ऑफ अफर्मेशन। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये जो अफर्मेशंस होते हैं उनके द्वारा आप उनकी प्रोग्रामिंग करते हैं, आप जो कुछ भी भविष्य में चाहते हैं उन सबको आप यहाँ पर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके हासिल कर सकते हैं और यही इंपॉर्टेंस है आपके अफर्मेशंस का। हम लोग बात करेंगे कि भी कुछ कुछ जो अफर्मेशंस होते हैं उनको हम बार 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 रिपीट करते हैं और बार 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 रिपीट करने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है और हमारे फेवर में रिजल्ट देने लग जाता है। तो आपको जो भी अफर्मेशन आप करते हैं, सेल्फ टॉक, पॉजिटिव थिंकिंग, खुद के प्रति प्रतिज्ञा करना या वॉट एवर इट इज, आपको बार 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 रिपीट करना होता है। ये रिपीट करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण का सिद्धांत काम करने लग जाता है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, दैट इज अफर्मेशन। मैंने आपको कहा था कि अफर्मेशन का आप किस तरह से अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं इस पर आपका सफलता डिपेंड करता है। सो हम लोग देखेंगे, देखिए कुछ अफर्मेशन हम लोग यहां पर देखते हैं, जैसे आई एम द बेस्ट, राइट। मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को एक थोड़ा सा इसको ओपन कर लेता हूँ, जो मैंने ऑल अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देम मैंने कर दिया है। ओके, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और आप इसके साथ साथ आप बोल भी सकते हैं। कम ऑन सब लोग एक साथ कर लिया आपने अनम्यूट, आपको रिपीट करना है आई एम द बेस्ट, I'm the best. 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 I'm healthy. I'm healthy. I love money and money loves me. Very good. I am a money magnet. I am a money magnet. Prosperity is a draw. I am money magnet. I am happy. I am happy. I am a champion. I am great. I am great.
I am powerful. I am energetic. I am open to accepting all forms of abundance. I am energetic. Universal has to offer. Everything is going to be okay. Everything is going to be okay. I am kind. I am unique, I am special, I am me. I am aware that I am real, I am powerful, I am capable, I am worthy. I am thankful to everything. ये सब देखिए इस तरह से हम लोगों ने कोशिश किया कि भी इसको जो अफर्मेशन हम लोगों को करनी चाहिए किस प्रकार से हम अपने आप को बोलकर अपने आप को एकदम पावरफुल बना सकते. आपने देखा होगा कि जब आप ये अफर्मेशन अपने आप कर रहे थे अभी तो आपको कैसा फील हो रहा था. हाउ यू आपको अच्छा लग रहा था ना. आप यदि जो बोल रहे थे कि आई एम ग्रेट तो आपको लग रहा था यस आई एम ग्रेट है ना. इस तरह से आप जो भी अफर्मेशन आप बार 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 अपने को बोलोगे आप अपने आप को जो बार बार जब बोलोगे ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज के लिए तैयार हो जाएगा. आप बोलते हो कि आई एम स्मार्ट या आई एम ग्रेट आई एम विनर आई एम चैंपियन आई एम हैप्पी आई एम वेल्थी आई एम रिच. जो भी आप अपने आप को बार बार इस तरह से बोलोगे ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को प्रोग्राम्ड कर लेगा और आपको उसको करने के लिए आपको प्रेरित करेगा और आपको एक नई आदत आपके अंदर विकसित हो जाएगी और उससे आप अपने आप को सक्सेस की तरफ ले जाएंगे. राइट फ्रेंड्स. यस. तो ये जो बातें थी ना एक छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि भी अफर्मेशन के द्वारा हम अपने आप को और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई तो सबकॉन्शियस माइंड हमें आगे प्रेरित करता रहेगा. आई बात समझ में.